सहवि कर्वाई तेजस्विनावधी तमस्तु म पते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतासत्यमुपै मे शांति वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय का तृतीय पाद पढ़ रहे हैं हम और इसमें कल हमने वेदों के नित्यत्व के बारे में पढ़ा वेद नित्य हैं क्यों नित्य हैं क्योंकि वे नित्य ब्रह्म से मिला है हमें वेद वेद की उत्पत्ति नित्य ब्रह्म से हुई है इसलिए नित्य हैं वो क्योंकि परमात्मा नित्य है और उसके ज्ञान में वो नित्य बने रहते हैं तो इसलिए प्रत्येक सर्ग में प्रत्येक सृष्टि में वैसे के वैसे ही रहते हैं ये कल पढ़ा तो ये बीच में आ गया था इसके बाद जो पीछे प्रसंग चल रहा था दहर वाला प्रसंग और उसमें ये बताया था कि सब मनुष्यों का अधिकार है कि वो अपने अंतःकरण में स्थित उस ब्रह्म का साक्षात्कार करें और तद उपरी अपनी बादरायण संभावत उपासना वो कहीं भी कर सकते हैं हृदय में रहके भी कर सकते हैं हृदय में अपने चित्त को एकाग्र करके वहां भी कर सकते हैं या उसके अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पे भी एकाग्र करके या शरीर से बाहर भी जैसे हम वैदिक दृष्टि से ही देखें तो जब हम मनसा परिक्रमा के मंत्र बोलते हैं प्राची दिग्नेर अधिपति तो प्राची दिशा में जाता ही है ना चित्त फिर हम कहते हैं दक्षिणा दक्षिण दिशा में फिर हम कहते हैं प्रतीची दिशा में फिर उदीची दिशा में ऊपर नीचे तो बाहर भी आप अपने चित्त को वहाँ वहाँ एकाग्र करके भी उपासना कर सकते हैं अंदर मूर्ध आदि में धारणा करके या फिर हृदय स्थान में धारणा करके अग्र पे कंठकूप में अनेक अनेक स्थान बताए लेकिन उसके साक्षात्कार का अधिकार तो सब मनुष्यों को हृदय में ही है साक्षात्कार तो हृदय तो में ही होगा तो इसमें इनके जो शिष्य हैं, उनका ये कहना था कि नहीं ये हृदय में साक्षात्कार मनुष्य मात्र को नहीं होगा केवल तीन वर्णाश्रम के मनुष्यों को ही होगा साक्षात्कार ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को शुद्र को नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर छंदा आदि जो ऋषि हैं, वैदिक ऋषि हैं, एक तो उस सूची में कहीं उनका नाम नहीं देखा जाता है और दूसरा भावाच्य। और दूसरा दूसरा ज्योतिषी कहा कि वेद से अन्यत्र जो ब्राह्मण आदि ग्रंथ हैं, उनमें भी और वेद में भी ये इस बात की पुष्टि है कि वहां पर तीन ही तीन का ही ग्रहण किया है तो यजुर्वेद का पहले इन्होंने प्रमाण दिया प्रजापति प्रजया संति ज्योतिषी तो से क्या लिया इन्होंने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और ऐसे ही फिर लास्ट में अथर्ववेद का प्रमाण दिया स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयताम पावमानी द्विजा नाम तो यहां भी तीन का ही ग्रहण है क्योंकि द्विज तो तीन ही होते हैं ना शुद्र द्विज क्यों इसीलिए तो वो शुद्र रहता है क्योंकि उसने विद्या अध्ययन नहीं किया तो तीन ही लोग द्विजता को प्राप्त कर पाते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ज्ञान से उन्हीं का ही दोबारा जन्म होता है तो कह रहे वेद भी इस बात का प्रमाण है कि सब मनुष्यों को नहीं होता है केवल द्विजों को ही ये वेद माता पवित्र करती है तो अब इनके गुरु जी उत्तर दे रहे हैं तो आपके आने से पहले स्वामी जी मैंने ये बताया आप उस दिन कह रहे थे ना कि बाहर भी उपासना कर सकते हैं तो कर सकते हैं ठीक है वो तो जैसे हम संध्या में बाहर धारणा करते हैं ना प्राची दिग अग्नि अधिपति तो शरीर से बाहर ही धारणा करते हैं फिर प्राची दिशा में अग्नि स्वरूप परमात्मा की तो ऐसे ही दक्षिण दिशा में प्रतीची में उदीची में तो वो ठीक है वो अर्थ तो उसमें इनका विरोध नहीं है आप धारणा कहीं भी लगा सकते हैं आप हृदय में भी लगा सकते हैं मूर्धा में भी नासिकाग्र में कंठकूप में या बाहर दिशाओं में ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हैं लेकिन साक्षात्कार हृदय में ही होगा और साक्षात्कार मनुष्य मात्र का अधिकार है ऐसा नहीं है बल्कि तीन ही वर्णाश्रमों का अधिकार है ये जैमिनी जो इनके शिष्य हैं उन्होंने कहा तो उसका उत्तर दे रहे हैं व्यास ऋषि भावम तो वादरायण अस्थि ही बादरायण व्यास कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है कि केवल तीन का ही अधिकार है भावम तो अस्थि ही माने शुद्र का भी अधिकार है भावम माने अधिकार कह रहे हैं शुद्र से ब्रह्म विद्या भाव तो व्यासो मन्यते शुद्र का भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है कहें या वेद विद्या कहें एक ही बात है इस वेद विद्या को पढ़ने में या ब्रह्म विद्या को जानने में शुद्र का भी अधिकार है ऐसा बादरायणो व्यास मन्यते बादरण व्यास मानते हैं बादरण व्यास शुद्र का मतलब क्या मान रहे हैं जिसको लोक में जन्मना शुद्र कहा जाता है या तो जो ऐसे माँ बाप से ऐसे घर परिवार से आया है जो अनपढ़ थे वो तो कुछ पढ़ाई आदि जानते ही नहीं थे ना तो कोई यूं कहे कि अरे ये तो बिना पढ़े लिखे घर से मतलब ऐसे शुद्र माँ बाप से आया, इसलिए शुद्र ही है ऐसा यदि कोई कहे तो उसके लिए व्यास ऋषि कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है उसका भी अधिकार है तो ऐसे तो बहुत महापुरुष हुए ना कि उनके माता पिता तो पढ़े लिखे नहीं थे तो वो ऐसे परिवार से आए या जन्मना जो शुद्र से आए तो ये कह रहे हैं कि बेशक उनका जन्म शुद्र परिवार में हुआ हो हु, जिसको लोक में शूद्र कहा जाता है पर यदि इस समय वो व्यक्ति पढ़ा लिखा है और साधना कर रहा है तो उसको निश्चित रूप से अधिकार है तो वैदिक काल में भी और यहाँ इसमें भी देख रहे हैं हम दर्शन के काल में भी जो आश्रम व्यवस्था है वो किस पे आधारित है गुण कर्म पे आधारित है जन्म पे आधारित नहीं है तो इस कर्म पे आधारित मान करके ही व्यास ऋषि बादरायण ऋषि उसका उत्तर दे रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है शुद्र को भी अधिकार है शुद्र का मतलब है यहाँ पर शुद्र कुल से जो आया है उसको भी अधिकार है शुद्र से ब्रह्म विद्याम अधिकार भावंतु बादरायण व्यास मन्यते तो व्यास ऋषि ऐसा मानते हैं कि उसको भी ब्रह्म विद्या का अधिकार है वेद विद्या का अधिकार है यथो तो ही क्योंकि अस्ति ही तत्र मधुश्छंद प्रभृतिशु वैदिक ऋषिशु शुद्रान अपनी अस्ति ही कह रहे हैं पहले तो आप जो कह रहे हैं ना कि मधुशंद आदि जो ऋषियों की लिस्ट है उसमें वैदिक ऋषियों में शुद्र किसी भी ऋषि का नाम नहीं है तो कह रहे हैं ये भी गलत है शूद्र नाम अपि अस्ति ही शूद्र का नाम भी है वहां पर कहा तो उसका वो दे रहे हैं प्रमाण तद यथा ऋषयो वई सरस्वत्याम आसत ते कवश कवलुषम सोमात आनयन तो कह रहे हैं कि ऋषयो वी सरस्वत्याम सत्र आसत आसत सरस्वती के किनारे पर उन्होंने सत्र किया सत्र मतलब चर्चा की ऋषि जैसे गोष्ठी करते हैं चर्चा करते हैं तो ऐसे सरस्वती नदी के किनारे बैठ करके उन लोगों ने सत्र किया एक क्योंकि ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं तो इसलिए सरस्वती के किनारे बैठे हैं या नदी नहीं लेंगे तो जो ज्ञान की चर्चा करेंगे तो जो ज्ञान का देवता है या जो ज्ञान की देवी है उसको साक्षी मान के उसको हाजिर मान करके तभी चर्चा की जाती है तो इसलिए देवताओं ने सरस्वत्याम सत्र ते कवशमैलुषम सोमात आनयन तो वहां पर एक ऋषि बैठे थे कवशमैलुष मैलूष उस ऋषि को सोमात आनयन उनको सोम से वंचित कर दिया इन्होंने ये शुद्र ऋषि थे कवशमैलुष तो वहां चर्चा कर रहे थे यज्ञ आदि किया होगा यज्ञ के बाद सोम पान करते हैं तो उसको सोम नहीं दिया इन्होंने उसको हटा दिया क्या कहा उसको दास्य पुत्र अब्राह्मण कथम नो मध्य दीक्षित इति <laughs> तुम हमारे बीच में कैसे आ गए तो ऐसे करते हैं ना तो इन्होंने कहा कि आप तो दासी पुत्र हैं दास्य पुत्र दासी पुत्र हैं आप तो कितव आप तो जुआरी हैं जुआ खेलते हैं आप तो अब्राह्मण आप तो ब्राह्मण नहीं है कथम नो मध्य आप हमारे बीच में कैसे दीक्षित हो गए हमारे बीच में आप कैसे बैठ सकते हैं ऐसे उन ऋषियों ने उनको कहा अपमानित किया तम धनवोद्वहन तो उसको बही उनको बाहर निकाल दिया उस सत्र से और धनव उद्वाहन धनव मतलब होता है सूखा प्रदेश जहां जल आदि नहीं होता है मरु प्रदेश वहां भेज दिया उसको सोमपान उसको माने सोम नहीं दिया तो प्यास लगी होगी ना उसको पीते तो तभी है ना पानी की जगह सोम पान पीते हैं तो जो भी वो लाए वहां पर क्योंकि जब कोई चर्चा चलती है सत्र चलता है तो कुछ खाने पीने की चीजें भी आती हैं ना अच्छी अच्छी तो ऋषि थे तो उन्होंने क्या मंगवाया पीने के लिए सोम मंगवाया गर्मी होगी सर्दी होती तो कॉफी मंगवाते शायद। चाय मंगवाते दिव्य पेय मंगवाते जो भी मंगवाते तो वहां पर जब इनका सत्र चल रहा था तो उन्होंने वहां पर कुछ पेय पदार्थ मंगवाया और उसको नहीं दिया सोमात अनयन सोमपान कर रहे थे कुछ लोग तो शराब को भी सोमपान बोलते हैं आनयन नहीं अनयन नहीं दिया वंचित कर दिया सोमात अनयन तो उसको ये कहा दास्या पुत्र कित वो अब्राह्मण कथम नो मध्य इति तम बहिर्धन व उद्वहन ऐसा कह करके उसको अपमानित करके ऐसे स्थान में बोला छ तेरी इतनी हिम्मत कि हमारे बीच में बैठ करके तू सोमपान करने क्या दुस्साहस करता है चलो तेरे को ऐसे प्रदेश में भेज देते हैं जहां पानी भी नहीं मिलेगा सोम की तो बात ही छोड़ो तो ऐसे करके उसको वहां भेज दिया मरु प्रदेश में ब्राह्मण का है ये अत्र एनम पिपासा हंतु सरस्वत्या उदकम मापात तो यहां अत्र एनम इसको पिपासा हंतु प्यास इसको मार दे सरस्वत्या उदकम मा पात इति सरस्वती का पानी पीने आया है ना यहाँ पर ये सरस्वती के किनारे तो इसको ऐसे मरु प्रदेश में भेज देते हैं कि वहां इसको पानी भी ना मिले और पानी की के अभाव में ये मर जाए मतलब उसको दंड दिया एक तरह से ऋषियों ने वो शुद्र ऋषि थी तो फिर क्या हुआ सब पिपासया वित्त एतद अपोन अप्रियम अपश्यत तो कह रहे हैं वो बाहर चला गया वहां से जब सारे एक हो गए और उसको एक को बेचारे को खदेड़ दिया तो चला गया बाहर से बहिर वित्त और वो प्यास से व्याकुल हो गया वहां पर मरु प्रदेश में जाकर के उसको बहुत प्यास लगी तो फिर उसने क्या किया एतद अपोन अप्रियम अपश्यत अपोन देवता वाले जो ऋचाई थी उसको उसने देखा मतलब जब आदमी भगवान को कब याद करता है ये हमने वेदांत दर्शन के प्रथम सूत्र में ही पढ़ा था सच्चे हृदय से वो कब पुकारता है निकालो पहला ही सूत्र का भाष्य वो जब देखता है जब वो अत्यंत अपमानित होता है या तो देखो अधुना जगती रोग वियोग भोग दुख अनुभवानंतरम अनंतरम या तो इस जगत में व्यक्ति रोग के कारण याद करता है या वियोग के कारण करता है या भोगों में बहुत दुख मिला हो तब याद करता है लेकिन प्रत्येक दृष्टि में दुखानुभावान्तरम दुख का अनुभव करने के बाद ही उस परमात्मा को याद करता है ठीक है रोग के बाद याद करता है भोग के बाद जो रोग से दुख मिलेगा भोग से भी दुख मिलेगा वियोग से भी दुख मिलेगा किसी भी कारण से अपमान से भी दुख मिलेगा किसी ने किसी को चैलेंज कर दिया अपमानित कर दिया तो व्यक्ति को दुख होगा ना लेकिन किसी भी हालत में व्यक्ति बिना दुख के ईश्वर को याद नहीं करता है ये तो पक्का है दुख में सुमिरन सब करें सुख में करे ना कोई सुख में कोई नहीं करेगा करता ही व्यक्ति दुख में है चाहे वो दुख उसने अपने जीवन में देखा चाहे तो वो किसी दूसरे के जीवन में देखा कभी कभी दूसरे के दुख को भी जो समझदार होते हैं दूसरे के दुख में को देख के भी ईश्वर को याद करते हैं, जैसे कि महात्मा बुद्ध ने देखा उनके अपने जीवन में तो कोई दुख था नहीं दूसरे के जीवन में देखा तो पड़ोसी में जो बीते तो आपे में ही जानो समझदार लोग बोलते थे जो कहीं पड़ोस में हो रहा है तो समझ लो तेरे साथ भी होने ही वाला है वो इसलिए पहले सावधान हो जाओ दूसरे मोहल्ले में आग लगी है तो तुम्हारे वाले में भी आने वाली है लपटे तो इसलिए उससे पहले ही अपने वाले में पानी का प्रबंध कर लो ताकि तुम्हारे में ना आए। दूसरे लोगों के शरीर में यदि रोग आ गए तो आप भी योग और प्राणायाम करने लग जाओ नहीं तो आप वाले में भी आने ही वाले हैं तो ऐसे इन्होंने दुख देखा क्योंकि बेचारे हैं तो ऋषि तो कोई वहां लड़ाई झगड़ा भी नहीं किया उन्होंने खदेड़ दिया वहां से आ गए और यहां प्यास से व्याकुल हो रखे हैं पानी है नहीं ऐसे प्रदेश में भेज दिया तो फिर ईश्वर को याद किया और उसको याद किया तो अपोनपत्रिय जो ऋचाई हैं उनको इन्होंने देखा साक्षात्कार किया अपोन अप्रिय सूक्त से ऋषि संजाते इति और उन ऋचाओं का उसने वहां पर साक्षात्कार किया तो इसलिए वो उन्हीं का ही ऋषि बन गया ऋषि संजाते इति कथन है नहीं नहीं। तो इस कथन से क्या पता लगा मधुस छंद प्रभृतिषु वैदिक ऋषिशु शूद्र से कवशलूस वर्णन उपलब्धा क्षुद्र से अधिकार सिद्धः तो जब इन्होंने ऋचाओं का साक्षात्कार कर लिया तो मधुचंदा आदि जो वैदिक ऋषि थे उसमें इन आ, कवस ऐलुष नामक शूद्र ऋषि का वर्णन भी मिलने से शुद्र से अपनी अधिकार है सिद्ध है शुद्र का भी अधिकार है ब्रह्म विद्या में ये ऋषि ने व्यास ऋषि ने बता दिया अन्य हैं इतना ही नहीं अब आपको वेद का भी उदाहरण दे रही है। रहे हैं व्यास ऋषि कह रहे वेद का भी उदाहरण देता हूँ कि वेद में भी शुद्र को भी ब्रह्म विद्या का अधिकार है ये स्पष्ट उपलब्ध होता है जैसे यजुर्वेद का मंत्र है यथे वाचम कल्याणीम आवदानी जनेभ्य ब्रह्म राजभ्याय चर्या स्वाय च तो यहाँ पर कहा ये कह रहे हैं परमात्मा कह रहे हैं यथा इमाम कल्याणीम वाचम आवदानी जनेभ्य जैसे ये कल्याण करने वाली वाणी अर्थात वेद ये मैं सब मनुष्यों के लिए बोल रहा हूँ तो सब मनुष्यों के लिए बोल रहा हूं उसको और थोड़ा स्पष्ट कर दिया ब्रह्म राजन्याभ्याम शुद्रायच तो स्पष्ट ही कह दिया ना शुद्र शब्द ही बोल दिया जैसे मैं सब जन मनुष्यों के लिए इस कल्याणकारी वाणी का उपदेश कर रहा हूं आप सब मनुष्यों के लिए वेद वाणी का तो इसमें ब्रह्म क्षत्रिय और जो भी दूसरे भी हैं अर्याय और शुद्राय चय अर्याय अर्य कहते हैं वैश्य को शुद्राय चय अर्याय चय स्वाय चारणाय चय हर व्यक्ति के अपने लिए है और चारणाय जो सेवक आदि होते हैं तो उन सब के लिए मैं इस ब्रह्म विद्या का उपदेश करता हूं ऐसा स्पष्ट ही यजुर्वेद में आश्चर्यम अत्र स्वभाष्य प्रसंगे शंकराचार्यो अपनी पौराणिका नाम इव जड़ेशु चेतन असत कल्पना अंगी करो तो यहाँ पर ये शंकराचार्य जी के भाष्य का खंडन कर रहे हैं कह रहे हैं कि जब इतना स्पष्ट लिखा है तो भी शंकराचार्य जी ने पौराणिका नाम इव वहां पर इन्होंने पौराणिकों की तरह से जड़ेशु जड़ में चेतनत्व से असत कल्पना अंगी करोती जड़ भूतों में चेतन की असत कल्पना को स्वीकार करके वहां पर कहा है आदित्य पुरुषो भूतवा कुंतिम उपा उप आजगा आदित्य जो है वो पुरुष होकर के कुंती के पास आए तो जो उसकी करण की उत्पत्ति हुई तो सूर्य पुत्र माना जाता है ना करण को तो ये कह रहे हैं कि ऐसे हो ही नहीं सकता है आदित्य मतलब सूर्य और सूर्य पुरुष का रूप धारण करके कुंती माता के पास आए तो बोले ये तो कथा ठीक नहीं लगती ऐसे वहां इन्होंने कुछ किया होगा कि भाई जैसे वो कुंती माता के पास आए तो वो अविवाहित थी अविवाहित अवस्था में ही उन्होंने कर्ण पुत्र को प्राप्त किया और फिर उसको उन्होंने नदी में लोक लाज के कारण बहा दिया वहां से किसी व्यक्ति ने उनको निकाल करके उनका पालन पोषण किया जिन्होंने पालन पोषण किया वो शुद्र थे तो शुद्र होने के कारण उनको गुरु जी ने ने विद्या देने के लिए मना कर दिया था किसने दुर्णाचारी। दुर्णाचारी तो ऐसा कोई प्रसंग उन्होंने अपने भाष्य में लिखा होगा तो उसका ये खंडन कर रहे हैं कि कितना आश्चर्य है वेद में साक्षात शुद्र के लिए ब्रह्म विद्या का उपदेश है और फिर भी उन्होंने इस कल्प ए, असत कल्पना को स्वीकार किया है क्योंकि जो जड़ देवता है जो जड़ वस्तु है वो चेतन कैसे हो सकता है अब ये बात जो है बड़ी विचित्र है ये क्योंकि कुछ शक्तियां जो है ना वो कुछ तो दृश्य शक्तियां हैं इस संसार में कुछ अदृश्य शक्तियां हैं और कुछ अदृश्य शक्तियां ऐसी हैं कि वो दृश्य रूप भी धारण कर लेती हैं ये बिल्कुल पक्की बात है लेकिन ये बात मतलब जिसको नहीं मानना है उसको बताना बड़ा कठिन है राजस्थान में एक परिवार है अभी भी है वो मतलब कोई उसका एड्रेस में किसी को दे दूं अगर कोई जा जाके देखना चाहे तो, तो वो क्या है वो व्यक्ति तांत्रिक था और उसकी शादी नहीं हुई थी और वो तंत्र विद्या में मतलब इतनी उसने योग्यता प्राप्त की कि कल वो कोई पूछ रहे थे ना बूथ भूत, भूत के बारे में पवन जी पूछ रहे मोहन जी पूछ रहे हाँ उस कक्षा में रामायण में तो भूतणी के साथ शादी कर ली उसने और उसके बच्चे हो गई दो बच्चे हैं उसके और फिर उसकी भूतनी की जो आयु है उनके भी तो आयु की लिमिट होती है जैसे मनुष्यों की आयु की लिमिट है उसकी लिमिट हुई तो वो चली गई आई नहीं फिर दोबारा और वो बच्चे अभी भी हैं उसके पास और उसकी शादी हुई नहीं थी तो अभी भी उन बच्चों को बोतनी के बच्चे ही बोलते हैं सब <laughs> <laughs> तो मतलब ये जो शक्तियां है ना ये कभी कभी और भी मेरे को बताया उन्होंने बोलिए वो केवल मनुष्य का ही रूप धारण नहीं करते कभी सांप का रूप धारण कर लेते हैं कभी कबूतर का रूप धारण कर लेते हैं कभी अलग अलग बच्चे का रूप धारण कर लेते हैं तो इच्छाधारी योनिया तो ये सृष्टि बड़ी विचित्र है इसमें बहुत सारी विचित्रताएं हैं, तो हो सकता है मतलब ऐसे भी हो सकता है कि ये जो सूर्य हैं, उन्होंने पुरुष का रूप धारण किया हो ये मैं कहना चाह रही हूं लेकिन ये मेरा व्यू है भाई यहां इन्होंने पूरा खंडन किया है ऐसे भी संतानें होती हुई होंगी जब भूतनी की संतान हो सकती है तो आदित्य की क्यों नहीं हो सकती? हो सकती पर इन्होंने उसका खंडन कर दिया है ये कह रहे हैं कि ये इस तरह की जड़ में चेतन की कल्पना करना ये उचित नहीं है लेकिन इन इन्होंने ये दिखा दिया ने कि शुद्र को भी ब्रह्म विद्या का अधिकार है शुद्र से ब्रह्म हेतु और एक और हेतु दे रहे हैं शुद्र को भी ब्रह्म विद्या का अधिकार है इसका प्रदर्शन करने के लिए दूसरा हेतु दे रहे हैं शुगस्य तदा तदनादर अनादर तद त्रवनाथ सूचते ही शुगस्य शुगस्य माने शुद, शुद्र को शोक जो शोक करता है उसको शुद्र कहा शुगस्य तद अनादर श्रवनाथ माने उस शुद्र को अनादर का श्रवण करने से उन्होंने अनादर किया शुद्र कहकर के और उस अनादर के वचनों को सुन करके तद आद्रवणाथ शीघ्रता से ही वो शोक से पीड़ित होकर के दौड़ा आद्रवणात् सूचते ही सूचित किया जाता है माने अनादरात सॉरी अनादर श्रवणात् तद आद्रवणात् सूचते ही शुद्र को शुद्र क्यों कहते हैं वो बता रहे हैं शुद्र में दो शब्द है ना एक तो शु शु का मतलब है शोक से शुगस से शोक से शोक किसका हुआ अनादर श्रवणा अनादर के वचन सुने तो शोक से और दूसरा शब्द है द्र शुद्र में तो द्र मतलब द्रवणात् तो अपमान करने पर अनादर के वाक्य सुन करके शीघ्रता से वो दौड़ा पीड़ित तो होकर के व्यक्ति एकदम से झल्ला के दौड़ते हैं ना तो इसलिए उसको शुद्र कहा शोक से पीड़ित होकर के ये ऊपर वाला जो ऋषि है उन्होंने अनादर किया और वो वहां से उस अपमान से पीड़ित होकर के तेज कदमों से दौड़ करके आया वहां पर तो इसलिए उसको शुद्र कहा तो ऐसी निष्पत्ति की है इन्होंने शुद्र की शुच शो के ना तो उस शोक से और द्र गति में गत्यर्थ धातु है तो शोक से पीड़ित तो हो करके शीघ्रता से जो दौड़ा तो इसलिए उसको शुद्र कह दिया शुक अनादर श्रवनाथ अस् ज्ञान श्रुति नामकस्य से ब्रह्म विद्यायाम अनादर श्रवणात् खलु शोक शुक शुक सोचे शोक संजाता है अब दूसरी एक कथा ले रहे हैं ये भी उपनिषद की कथा है तो जान नाम के एक राजा हैं और एक बार और ये बहुत धर्मात्मा थे और बहुत इनकी ख्याति थी उस समय जान की माने उनके समान प्रसिद्ध उस समय कोई भी राजा नहीं था बड़ी बड़ी शालाएं थी बड़े भंडारे चलते थे बहुत लोगों की ये सेवा करते थे तो एक दिन इनके महल के ऊपर से दो हंस उड़ के जा रही थी तो उनमें से एक हंस ने दूसरे से कहा कि अरे इसके महल के ऊपर से जा रहे हो जान से जरा बच के रहना बड़ा तेजस्वी है अगर इसके साथ इसके संपर्क में आ गए ना तो तुम्हारे तेज को नष्ट कर देगा ये माने इसके तेज तेज के सामने और किसी का तेज टिक नहीं सकता है जैसे सूर्य का तेज है और सूर्य के पास कोई वस्तु चली जाए तो क्या करेगा अपने तेज से उसको नष्ट कर देगा उसके तेज को जला देगा वो तो ऐसे उन्होंने कहा कि वे जानश्रुति के महल के ऊपर से उड़ रहे हो तो थोड़ा इनसे बचे रहे ना इस व्यक्ति से ये बड़ा तेजस्वी है तुम्हारे तेज को नष्ट ना कर दे कहीं तो दूसरे वाले हंस ने कहा कि रैक व गाड़ीवान से भी ज्यादा तेजस्वी है क्या ये तो ये तो बात उन्होंने सुन ली जान श्रुति ने तो उन्होंने अपने व्यक्तियों को भेजा कि भाई पता लगाओ ये रैक व गाड़ीवान कौन है तो वो बड़े बड़े नगरों में शहरों में ढूंढते फिरे कि कोई बड़ा ही बिजनेसमैन होगा यदि उसकी इतनी ज्यादा राजा से भी ज्यादा प्रसिद्धि है ऐसा कहा है तो, तो उनको कहीं मिला नहीं तो फिर उनको मुश्किल से कहीं जंगल में एक गाड़ी के नीचे बैठा मिल गया रैक्